ज्ञान वग्नि से नमे पेले हैं स्फुलिंग अरे तम ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है कायो सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तन धारी है अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी नाभि पुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का क्या चल रहा था, याद है किसी को? देखो 304 नंबर की गाथा है, करते हैं अपन प्रारंभ। नाना गतियों में जीव के वेश नट के समान, संयोगो यदि विप्रयोग विधिना चेज्जन्मतान मृत्युना संपच्चेद विपदा सुखम यदि तदा दुःखेन भाव्यं ध्रुवं संसारेत्र मुहुर्मुहुर्बहुर्विधा वस्तांतरा प्रोल्लस पेशान्यत्व नटी कृतांगिनी सता शोको न हर्ष क्वचित। बढ़िया लिखा देख, संयोगो यदि यदि संयोग है तो विप्रयोग विधिना, विप्रयोग विधि के द्वारा, माने संयोग जो है, संयोग वियोग के साथ में, जन्म मृत्यु ना, जन्म मृत्यु के साथ है, संपद संपदा है विपदा के साथ है, सुख यदि है तो दुखेन के साथ में निश्चित है, दुख के साथ सुख है तो निश्चित रूप से दुख भी है। मैंने जो जो चीजें अपने को अच्छी लगती है, संयोग अच्छा लगता है तो वियोग के साथ है, जन्म अच्छा लगता है मृत्यु के साथ है, संपदा अच्छी लगती है तो विपदा के साथ है, सुख अच्छा लगता है तो दुख के साथ। मैंने उसका प्रतिपक्षी उसके साथ निश्चित रूप से है। संसार है, संसार में अत्र माने यहाँ, मुहुर मुहु बारम्बार बहुविधा बहुत प्रकार से आवास अवस्थांतर अन्य अवस्थाओं को प्रोल्लसत उल्लसित अन्य अवस्थांतरों को प्राप्त होता है। वेशान वेश अन्य वेशानी
वेशानि तु अट आठ अट्टी कृत्यमंगनी सता नटी कृतांगनी वेशात वेश वेश अन्य तो अन्य वेशों के समान जैसे नटी कृत होता है ना नट नट नाना अंगियों के वेश धारण करता है ऐसे ये जीव भी नाना प्रकार के वेशों को इस संसार में धारण करता है। अन्य अन्य वेश नट के समान नट के द्वारा किए गए नाना वेशों के समान ये जीव भी संसार में नाना प्रकार के देहों को धारण करता है। इसलिए शोको न हर्ष क्वचित सता मने सज्जन पुरुषों के इसलिए ना तो शोक होता है और न हर्ष होता है। पढ़िए विंटा जी पढ़िए। संयोगों के संग वियोग है और जन्म के संग मरण, संपत्ति के साथ विपत्ति, दुख भी रहता सुख के संग। इस जग में यह जीव बहुत से वेश बनाए बारंबार, नट समान इसलिए सुधी नहीं करे हर्ष या शोक अपार। संयोगों के साथ वियोग है और जन्म के संग मरण, संपत्ति के साथ विपत्ति, दुख भी रहता सुख के संग। इस जग में यह जीव बहुत से वेश बनाए बारंबार, नट समान, नट होते ना अनेक वेश धारण करते हैं, आज क्या है कल क्या है, रोज उनको नए नए पार्ट अदा करने होते हैं पिक्चरों के अंदर मूवी के अंदर, क्यों इतने सारे पार्ट अदा कर लिए एक एक हीरो ने हीरोइनों ने, अनेक प्रकार के वेश बनाए बारंबार बनाते रहते, एक पलट के दूसरा, दूसरा पलट के तीसरा, नट के समान ये जीव भी अनेक प्रकार के वेश बनाता है। इसलिए सुधी माने बुद्धिमान ये सारी जगत की अवस्थाओं में न तो हर्ष करते हैं और ना ही शोक करते हैं। इस जिस संसार में जीव बारंबार नाना प्रकार की जो दूसरी दूसरी अवस्थाओं में नार की पशु देव आदि नाना वेशों को धारण कर नट के समान स्थित है, कभी नार की बना, कभी पशु बना, कभी तिरंच बना, कभी देव बना, कभी पुत्र बना, कभी पुत्री हुआ, अनेक प्रकार के वेशों को धारण करके नट के समान स्थित है। उस संसार में यदि संयोग वियोग के साथ है, जन्म मरण के साथ, संपत्ति विपत्ति के साथ और यदि सुख दुख के साथ लगा हुआ है, तब विद्वानों को न तो किसी पदार्थ में शोक करना चाहिए और न किसी में हर्ष ही करना चाहिए। किसमें हर्ष करे किसमें शोक करे चलता रहता है, रोज हैरान लोग मर रहे हैं, रोज किस किस का रोए, एक को रोने जाते हैं अगले दिन सुबह दूसरे की नई की खबर आ जाती है। क्या हमने कहा समाज के प्रमुख की रो ले पहले, जब तक उसकी नहीं रो पाए तब तक हमारे काका जी के लिए रोने लग गए, काका जी के लिए नहीं रोए, काका जी के लिए जब तक रोए तब तक कोई दूसरा जा रहा है। रोज ऐसे जीवों की गति हो रही है, काका ससुर काका जी नहीं है सके, बोलो ऐसी स्थिति है। हम एक के आंसू बहाने जब तक पूरे नहीं निकलते हैं तब तक दूसरा जो है सामने दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा जाता नहीं है तीसरे की, तीसरा जाता नहीं चौथा। ये संसार की दशा ही यही है, क्या करें, आना जाना आना जाना आना जाना चला करता है निरंतर। हमको ये सब देख के थोड़ा विचार करना चाहिए। देखो धर्म विचार की चीज है, हम सब विचार करें भाई ये संसार में हम केवल एक कर्म के उदय से एक शरीर रूपी घर के अंदर आके बैठ गए हैं, बाकी ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो अमूर्तिक है, अरूपी है, आत्मा तो इन सब नाना प्रकार के शरीर रूपी वेश से भिन्न है। ये तो कपड़े पहन लिए अलग अलग, बाकी आत्मा तो अलग ही है इन सब से। कभी क्या बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं। अब जिन मंदिरों को जो मंदिर वाले हैं, मंदिर के मंदिर वाले ही जा रहे हैं, तो अब दूसरों को क्या कहें, अपन ट्रस्टी लोग ही जा रहे हैं, बोलो
ट्रस्ट की क्या स्थिति, ट्रस्टी चले जाए, ट्रस्टी चले जाए तो हट्टा कट्टा दिखने वाला व्यक्ति सामने सामने देख के चले जाता है। फर्स्ट पोस्ट ऐसा लगे कि इनकी उम्र तो 100 साल से कम की होगी नहीं। अरे संसार के अंदर कोई का कोई ठिकाना नहीं है, कोई का कोई, एक समय का भरोसा नहीं है। ये क्लास आज लग रही है, कल लगेगी नहीं लगेगी, इसका कोई निश्चित नहीं है। ये तो क्या है, जगह जगह आग मतलब नाना नाना रूप धारण करके नाना नाना प्रकार के जीव आके इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। बाकी जीव को इसमें भ्रांति हो जाती है कि उसको ये लगने लगता है कि यही मेरा स्वरूप है, मैं यही हूं, और अपने उस प्राप्त पर्याय के पीछे वो दुनिया भर के प्रयास कर लेता है इसको अनंत काल तक स्थिर रखने के लिए और इसकी ख्याति पूजा लाभ आदि के लिए। मैं यहां मेरी मेरा ये जो प्राप्त पर्याय है, मनुष्य पर्याय, इसका जगत में खूब नाम हो जाए, सारा जगत इसको जान जाए और ये पंचेंद्री के भोगों को प्राप्त करता रहे। बस ये दो प्रकार की इच्छाओं से आदमी अचेत बेचेत पड़ा हुआ है, अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहा। देखो ना तो इसको अपने नाम की चिंता करनी चाहिए क्योंकि तो इसका नाम ही नहीं है, नाम तो पर्यायगत है, और दूसरी बात कि ना इसको अपने इंद्रिय विषय भोगों की चिंता करना चाहिए क्योंकि सुख तो आत्मा का सहज स्वभाव है, वो उसको उसके लिए परद्रव्यों की भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए जीव तो अपने आप में देखे अपने चैतन्य स्वरूप को जो स्वयं ही सुख स्वरूप है, और दूसरी बात कि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो तीन लोक के जीव उसकी स्तुति करे, ऐसा उसका स्वभाव है। शुद्ध स्वरूप आत्मा का जबरदस्त है, संसारी जीवों से अद्भुत विलक्षण है। शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना वो वास्तव में अपने लिए बड़प्पन का विषय है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो क्या है यहाँ पे, बाकी है क्या बताओ, कुछ नहीं है। हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, संसार में सब बना रहे हैं, चीटी मकोड़ा सब बना रहे, बाल बच्चों का पालन पोषण कर लिया, गाड़ी घोड़े हो गए, सुख से जीवन जी रहे हैं, पांच इंद्री के विषय भोग मिल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब उपलब्धियां नहीं है। उपलब्धि अपने चैतन्य स्वरूप को समझने से है, वास्तविकता को मोह को मिटाने से उपलब्धि है भावार्थ। पढ़िए भावार्थ ममता जी। इस संसार में अपने अपने कर्म के अनुसार जीव एक गति से दूसरी गति में जाकर नाना प्रकार के देव मनुष्य पशु आदि वेशों को धारण करते हैं। यहाँ जिन जिन पदार्थों का संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, जो उत्पन्न होता है वह अवश्य मरता भी है, जो धनी है वह निर्धन भी अवश्य होता है, जो सुखी है वह दुखी भी अवश्य होता है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार के संसार के चरित्र को जानते हैं उनको संयोग संपत्ति सुख आदि के होने पर न तो हर्ष मानना चाहिए तथा वियोग विपत्ति दुख आदि के होने पर न शोक करना चाहिए। हाँ क्या करें, शादी जिससे हुई हो मरेगा, बच्चा हुआ है बच्चा अपने से अलग होगा, धन आया है तो निर्धनता भी साथ में, धन निर्धनता के साथ है क्या नहीं है साथ में बताओ, कि हम धनी होके ही मरेंगे कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात, हम आखिर जाएंगे तो सब छोड़ के ही ना, यहाँ कितना ले गए, देखो जो जो जा रहे हैं लोग कितना ले जा रहे हैं, ले गए यहाँ की प्रॉपर्टी ले गए हो, रात दिन भले उसके विवाद में उलझे रहे हो लेकिन यहाँ की एक चीज भी प्रभाव में साथ नहीं जा रही है किसी के। दुनिया भर की संस्थाओं का अधिकारी बना कुछ नहीं जाता है, वो जीव ने जो अपना हित किया वो गया, बाकी तो अनंत संसार के अंदर कहाँ गया ये जी पता ही है।
बताओ, मैं मरूंगा तो मेरे साथ में क्या क्या साथ में जाएगा? भाई ये यहाँ फलानी के हैं, परिवार के बहुत बड़े मुखिया थे, ये सब कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं। क्या एकमात्र जो कुछ मैंने अपने आत्मस्वरूप को समझने के लिए जो कुछ उद्यम किया, अपने आत्मा को समझने में जो बुद्धि लगी, भगवान जिनेन्द्र की वाणी कि जो जो भी सत्यार्थ बातें हैं, वो जो मैंने समझी अपने अंदर, वो जाएगी बस, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। सब धन कटुम्ब कुबिला संगे जाएगा, किसी का अध्यक्ष पद नहीं जाएगा साथ में, न मंत्री पद जाएगा, न संस्थापक पद, यहाँ से वहां भी वाइसेस जी, कुछ नहीं जाने वाला, ये सब यही लोग ले जाएंगे। क्या ये जीव की यात्रा बहुत इसको अकेले करनी पड़ती है, बहुत अकेला है जीव, अपने को दिखता है ये सब बहुत के साथ में है। क्या साथ में बताओ, जब जीव मरता है तो 10-20 को साथ ले जाता है, जो ट्रस्टी मरता है वो अपने और ट्रस्टियों को भी ले जाता है साथ में, चलो रे है? मेरे को यदि मेरे मंदिर में जाना हो तो मैं भले ही सब ट्रस्टियों को साथ लेके मंदिर जा सकता हूँ, इस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, सब साथ में जाएंगे ट्रस्टी हूँ, लेकिन जब मेरे को मरना होगा तो मरने के अंदर मेरे कौन को साथ जाएगा? क्यों मानोगे, कितने लोग जाएंगे साथ में? कोई नहीं जाने वाला। पूछो ये सबसे अपन, क्यों बताओ भैया कौन कौन साथ चलने वाला है, सारे मेंबर से पूछ लो अपन कि कौन कौन साथ चलेगा मृत्यु में। जीव बहुत अकेला है, जीव को दुनिया में ऐसा दिखता है यहाँ भीड़ भीड़ के साथ है, बहुत लोगों के साथ है, बहुत परिवार है, कभी कोरोना हो जाए ना तो अकेलापन दिख जाएगा जीव को, एकाध बार एकत्व की भावना, ऐसे नहीं भाई हो तो किसी से मिल जाओ जरा अस्पताल में, थोड़ी एकत्व भावना पुष्ट हो जाएगी। संसार में सब संयोग एकदम ऐसे दिखेंगे बिल्कुल, कोई किसी का नहीं है। दिक्कत क्या है, जैसे ही अस्पताल से घर आएगा फिर वैसे ही हो जाएगा, वो वस्तु स्वरूप जान के श्रद्धान बनाना पड़ेगा कि भाई वस्तु स्वरूप क्या है, मैं मेरा स्वरूप अकेला है, अकेलापन सौंदर्य का घर है और ये जिसके साथ है ये सब झंझट का घर है। लोगों ने ना परिवार में ऐसा समझते अरे अकेला मन नहीं लगता है, मैं कहता हूँ अकेले से ज्यादा अच्छा मन काय में भी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, झिक झिक नहीं, किसी का कार्य नहीं, कोई अपने ऊपर नहीं, अपन किसी के ऊपर नहीं, जो अपने को अपना सोचना है, चिंतन करना स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से बढ़ के सुख क्या होगा बड़ा? आदमी ने अपने आप को खुद ने बंधन करके बांधा है और कुछ नहीं। तो ये जीव जो है ये सब चीजें इसके साथ आएगी, अपने को यहाँ सब चीजों को जान के रेडी रहना चाहिए। ये सब अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपन इन सब परिस्थितियों के लिए क्या हो, तैयार हो। संयोग हुआ तैयार है वियोग के लिए, उत्पन्न हुआ है मरने के लिए तैयार है, मतलब हमको ज्ञान में है जो जो हमारे आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, जो धन आया है वो भी जाएगा। क्या ये संसार का ऐसा रूल है, ऊपर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिन दुकानों पे लोग लड़ते थे बैठने के लिए, जिन ट्रेन की सीटों में बैठने के लिए लड़ते थे, प्लेन की सीटों को बुक करने के लिए मरते थे, देख लो क्या स्थिति आज। क्या ट्रेनें भरना मुश्किल पड़ रही है, प्लेन भरना मुश्किल पड़ रहा है। एक दिन पहले तक जो अवंतिका एक्सप्रेस फुल आई थी, अगले दिन उसमें एक आदमी भी नहीं था। जो प्लेन एक बार उतर के लैंड हुआ, उस प्लेन वाले को भी नहीं मालूम कि ये प्लेन कभी नहीं चढ़ेगा ऊपर, ये 6 महीने तक यहीं बैठा रहेगा। और क्या देखना है बताओ, जो 56 दुकान उन्होंने नई करी रिनोवेट, उनको मालूम ही नहीं था कि ये रिनोवेट क्या कभी खुलेगी ही नहीं, उसका रिनोवेशन ही चलता रहे। आज तारीख तक उसकी स्थिति ऐसी क्या है, है?
कोटा में हमारे एक भैया है परिचित, उन्होंने एकदम बोले यार रिटायरमेंट के अंदर इनकम होती रहेगी, बच्चे उनके बहुत आते हैं, किराया अच्छा देते हैं, तो बच्चों के लिए हॉस्टल ले लिया एक पूरी बिल्डिंग। न बच्चे मिले और न कोई किराएदार मिला, क्या बिल्डिंग खाली पड़ी है। रोज जा जाके देखते हैं, कभी कोई आ जाए, कभी कोई फोन लगा दे। अपन उनको फोन लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी किराएदार का फोन आया, तो मेरा देख के उनको लगा नंबर वंबर नहीं सेव कर रखा था, तो उनको लगा कोई किराएदार ने लगाया हुआ है, किसी को छी होगा। फिर से बोलते हैं भाई साहब जो भी भाव में लेना हो ले लो। मैंने कहा क्या ले लूं मैं तुम्हारे से। क्या स्थिति से देखो आप लोगों की बुद्धि, चले इतने परेशान हो गए हैं कि उनको कोई दूसरा घर वाला भी फोन लगाता है तो वहां में भी उसको किराएदारी दिखती है। अपन उनसे तबियत पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार इसका कहीं लगा दो मेरा। कहने का इंदौर होता तो ठीक था भैया, कोटा है वो, तो कोटा में कौन क्या करेगा वहां पे तुम्हारा। अब रिटायरमेंट की इनकम की जगह रिटायरमेंट की टेंशन हो गई, हो क्या करे आदमी, सोचे क्या, होए क्या, करता कुछ, करने जाता कुछ और, हो जाता कुछ और। संसार का स्वरूप यही है। हर आदमी अपनी अपनी बहुत बुद्धि लगाता है, बुद्धि किसी से कम नहीं है। संसार में सबने अपनी अक्ल खूब लगा रखी है, लेकिन कर्म ऐसा दुर्देव, जिसको कहें अपन कर्म का उदय कहो दुर्देव कहो, वो इतना तीव्र है, इतना निर्दय निष्ठुर कठोर है कि उसके आगे अपनी सारी सोच प्लानिंग एक तरफ धरी रह जाती है। सारे अपने प्लानिंग सब एक तरफ रह जाते हैं। क्या हमने सोचा था जो स्वाध्याय हॉल है उसका महावीर जयंती पे उद्घाटन होएगा, वो महावीर जयंती एक गई दूसरी आने वाली है, अब तब तक कोई आसार नहीं दिख रहे। क्या बन के खड़ा हो गया बस, लेकिन लोगों का इंतजार कर रहा है, क्या करें। मतलब जो जो जिस जिस जो जो चीजें विचार की हुई, कहाँ कोई चीज फलीभूत हुई। इसलिए कोई वो नहीं है भैया किसी का, क्या यहाँ संसार में जितने दिन हो अपना आत्मित कर लो, बाकी तो सबको यहां से रवाना होना है। कोई कुछ नहीं है, संसार में 4 दिनों का खेल है, और यहाँ कोई किसी का संबंध ही नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सारी कल्पनाएं हैं, समाज समाज और देश देश गांव समाज मोहल्ला फोल्ला सब कुछ नहीं है। जीव की अपनी यात्रा अकेली है, इसलिए जीव को इन सब चीजों में, संसार की चीजों में ज्यादा हंसने रोने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहना चाहिए। ये सब चीजें आना जाना लगा रहेगा। क्या आप हो, आप तो अपना निर्द्वंदता से अपने आत्मस्वरूप का विचार करो, बिल्कुल चिंतन मुक्त चिंता मुक्त होके, सब चीजों को छोड़, सब संसार की सब बातों का विचार छोड़ के, और शांत चित्त होकर सोचो मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या मेरा स्वरूप क्या है, ये देहादि द्रव्य क्या है, जीव दुखी क्यों होता है, सुखी कैसे होगा, भगवान जिनेश्वर कौन है, ईश्वर कौन कौन है, सेवा कौन करत है शोर, क्या ये सब बातों का विचार करो। उपजे कौन मरे को भाई, कौन करत है शोर, या जीव या नित चित्वो उठी के भोर। क्या ये सब बातों का सोचो और दुनिया भर की चीजें सोचना बंद कर दो, बस एक बार शांति से विचार करो, क्या मेरा स्वरूप है, भगवान की क्या वाणी है, भगवान क्या कह रहे हैं, पंच परमेष्ठी परम परम देव हैं, अनंत जिनेश्वर देव तीर्थंकर परम देव, उन्होंने क्या हमें सुखी होने का उपाय बताया। उनकी वाणी पे बहुत गंभीरता से, जैसे कोई पारमेश्वरी वाणी है, जैसे कोई परम हितेशी वाणी, परम हितकारी वाणी, मैंने जैसे अमृत मिल गया हो ऐसे अमृत सरीका उसके ऊपर खूब गहराई से सोचो विचारो और मानो उसको। ये मानो कि हमारे लिए अमृत स्वरूप है ये बात, परम सत्य है, और परम सत्यार्थ करके, परम सत्यार्थ मान के उसका श्रद्धान करो, अपने अंदर में उसकी प्रतीति उत्पन्न करो, तो सुख ही सुख है, और नहीं तो दुख ही दुख है। देखो तो ये है भैया, ना नो शोक करो ना रो ना हंसो, संसार में
सब चीजों के अंदर धैर्य धारण करके निस्वरूप का विचार करो, सतत देह से भिन्नता की भावना सतत जागृत रखो, सतत 24 घंटे अपने को निरंतर इन सब पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करो, क्योंकि भवितव्यता तो देखो जो होना होता है वैसे ही होता है, इन सब चीजों को सोच सोच के कुछ नहीं होता। सोच सोच के हो गया क्या? कभी कुछ नहीं, हमने क्या ऐसी सोची थी बताओ? ये जो जूम है ना, ये जूम पहले मेरे मामा जी की लड़की, उन्होंने बहुत बार मेरे से कही थी कि इस पे आ जाओ, वो दुबई में रहती, तो बोले इस पे आ जाओ, क्लास कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, ये ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता क्या, इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई धर्म वर्म नहीं होता क्या, मतलब उनने लिंक भेजी, मैंने केवल अकाउंट बना के छोड़ दिया, कभी यूज तक नहीं किया, ना मैंने सोचा कभी यूज करूंगा। ये जिस कैमरे से ये आप अपन या कैमरा में यूज कर रहा हूँ, ये 6 साल से मेरे घर में पड़ा था इस चीज के लिए कि इसको बेचना है। मेरी पत्नी रोज कहती थी इसको ठिकाने लगाओ, ये कटाले घर में इकट्ठे कर रखे हैं। ये मैंने 6 साल पहले मलारगंज में क्लास चालू की थी बच्चों की, तो तब इसको ऑनलाइन प्रसारण करने के लिए कैमरा लेके आया, और तब फिर मोबाइल आ गए थे तो मोबाइल से फोटो अच्छे आने लग गए थे, तो कैमरा यूं ही फालतू पड़ा था ये वेबकैम। तो 6 साल से मैं सुन रहा था कि भाई इसको ठिकाने लगाओ ठिकाने लगाओ, मैंने लगा ही नहीं, और वो 6 साल बाद काम आ गई। अटाले के अंदर से निकाला इसको कि भाई वो एक चीज पड़ी थी, देख लो उसको कहीं, यदि वो अभी भी सुरक्षित हो चल रहा हो उसको तो एक आध दिन चला के देख लेते हैं। और योग से क्या हुआ, उसकी आवाज तो खराब हो गई लेकिन उसका जो कैमरा है वो चल रही है अभी तक, तो कैमरा अपना काम कर रही है ढंग से बराबर। जिस चीज की हमने अटाले में रख रखी थी वो निकले सारी चीजें। एक दूरबीन पड़ी थी सालों से, कभी कोई यूज नहीं आया, हमें सासू जी कोई पाव में दिक्कत थी, मंदिर भी नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा भैया वो दूरबीन दे दो, कम से कम मानस स्तंभ के दर्शन हो जाएंगे। वायर पड़े थे कितने ही, तो हमने सोचा था एक घर के अंदर एक कमरे में कंप्यूटर बहुत है, तो चार कमरों में जहाँ चलाना था, तो वो वायर जो टूटे फूटे वो निकल निकल के काम आ। होनहार की बात देखो आप कि क्या जो जो चीजें सोच सोच के ऊपर रखी थी कि ये काम आएगी, वो एक काम नहीं आ रही क्या? गाड़ी पड़ी हुई है वहां पे, चाबी पड़ी हुई है गाड़ी, कुछ काम नहीं आ रही कोई चीज क्या? जो हमने सोचा वो कुछ भी नहीं हुआ, जिसको जो होना था वो सब हुआ, जो काम की चीज सोच के लाए वो काम नहीं आई, और जो फालतू की चीजें पड़ी थी जिनको अटाला समझ के रख रखा था वो चीजें अभी काम आ गई। होना है वो होएगा, कछु कर लो आप क्या, भवितव्यता जो होना होता है वैसे ही होता है। लोकाश्चेतसि चिन्त्यत्यं चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यासा भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद् रोचते मोहोल्लासवशात् मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान्भवन् रागद्वेषविशोजितैरिति सदा सद्धि सुखं तीयताम्। मेरा हो कल्याण सदा यह नर चित में नित करे विचार, किंतु कार्य होता है जग में होनहार की रुचि अनुसार। अतः मोह से हुए अनेक विकल्पों का तुम करो शमन, राग द्वेष विष छोड़ सदा बुद्ध सुख शैया में करें शयन। क्या कह रहे देखो, लोका चेतसी चिंत्यति अनुदिनम कल्याणम एव आत्मना, आत्मा का कल्याण ही हो। चेतसी माने चित्त में, लोका माने लोक संसार, चिंत्यति माने चिंतन करता है, अनुदिनम माने रोज रोज, रोज रोज संसार अपने चित्त में ये चिंतन करता है कि मेरी आत्मा का कल्याण ही हो। लेकिन कुर्यात और कुर्त कर्ता भी है,
भवितव्यता गतवती तत्र यद रोचते, किंतु जो भवितव्यता को जो रुचता है कार्य तो वो होता है। अपन तो सब अपने कल्याण की सोच रहे हैं, देखो है? कोई भी आदमी ने जो भी काम करता है वो अपने अपने हित के लिए ही करता है, अपना अपना कल्याण सोच के करता है। अरे मैं कहता हूँ कोई जहर भी खाता है तो वो कल्याण सोच के करता है कि इससे मेरा कल्याण होएगा। क्या दुनिया में कोई भी आदमी जिस समय जो काम करता है वो अपने उसको उस समय वो हित दिखता है इसलिए वो करता है। अब वो कितना हित सोचे कि हाँ मैं अपने दिमाग लगा के बिल्कुल सोच समझ के कर रहा हूँ और इससे मेरा हित ही होगा, ऐसा सोच के वो करता है। लेकिन भवितव्यता ये नहीं सोचती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या सोच रहे हो, मैंने भवितव्यता को जो करना होता है वो करती। मैं तो बहुत विचार करूं कि मैं समझ लो मैंने कोई भी चीज खरीदी, कोई तो ये भैया ये मैंने खरीदी तो बहुत सोच समझ के खरीदी और ये तो बहुत इसका जो है ये आगे चल के बहुत मुझे धन देगी, है ना। ये उस जब मैंने खरीदा तो मैंने बहुत सोच समझ के उस समय मुझे जो उत्कृष्ट मतलब मुझे जो उत्तम विचार जो भी उसके बारे में मेरे जो मैंने सोच हो सकती थी जो मैंने मतलब अच्छा से अच्छा जो मैं विचार कर सकता था वो मैंने किया और अच्छा से अच्छा विचार करके वो कार्य मैंने किया। लेकिन मेरे विचार को भवितव्यता नहीं देखती है। भवितव्यता इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने कितनी दिमाग लगाई है, तुमने तो अपने दिमाग हिसाब लगा के सब अच्छा ही सोचा है, लेकिन भवितव्यता को यदि कुछ और मंजूर हो तो तुम्हारे दिमाग के सारे विचार एक तरफ धरे ले जाते हैं, होना कुछ और ही होता, सोचते कुछ और है होता कुछ और है, ज्यादा सोचने से कुछ मिलता नहीं है, जो उदय में होता है वो मिलता है। कोई भी आदमी दुनिया का कोई काम बिना सोचे नहीं करता है, सब अपने हित के लिए। हर आदमी व्यापार व्यवसाय में अपने लाभ को सोचकर ही निर्णय लेता है, लेकिन वो कोई निर्णय जो उसने लिए है वो उसके दिमाग से सोच के तो वो कोई सफल हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, वो निर्णय एक झटके में फेल हो जाए। कर्म का उदय तुम कर क्या लोगे, तुम्हारा दिमाग तो ही नहीं कोई भगवान है। तो अरे कोई जिस किसी की कोई और कोई आदमी को इसलिए अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए मैंने ये निर्णय गलत ले लिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर लेता। तुमने जो सोचा उस समय अच्छा से अच्छा वो तुमने किया, इसलिए तुमको उसके प्रति खेद नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जो कर्म के उदय में होना था वो हुआ, हम जो सोच सकते थे हमने अपनी सोच के अनुसार किया, और आगे भी ये सोच के चलो कि हम अपनी कितनी सोचे सोचते रहे लेकिन हमारी सोच से कुछ नहीं होएगा, होना होगा जो ही होएगा। हम आज हम अपने को लग रहा है हमको कि हमने अपने हिसाब से सब सब कर रखा है, सब अपने सोच सोच के हमने सब अच्छा अपने लिए सारी अनुकूलता बना रखी है, सारा अच्छा काम कर रखा है, लेकिन हम कितना ही अच्छा से अच्छा सोच ले लेकिन हमारे अच्छा सोचने से ही वो कार्य होगा, मतलब हमारी सोच से हमारा होना वो निर्धारित नहीं होता है। होनहार जो होती है वो निर्धारित करती है, कर्म का उदय निर्धारित करता है कि आपका क्या होना है। आपने जो सोचा है उससे निर्धारण नहीं होगा कि आपका क्या होगा, आपके उदय में जो होगा वो निर्धारित करे। क्या दिमाग सारा लगा लगा के आदमी खूब कर लेता। हमारे मित्र वो 15 दिन से काढ़े पी रहे थे रोज, बिल्कुल कुछ नहीं होएगा, एकदम काढ़े पी पी के अच्छे बढ़िया ऐसा लग रहा था उनको, अपन बहुत बढ़िया हो गए हैं, बुलेट प्रूफ एकदम चारों तरफ से, वो पेन पी के निकल गए। क्या काढ़े पी पी के, मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा अरे काढ़े वाड़े इसमें मेरे को तो कोई विश्वास है नहीं, क्योंकि क्या है कि काढ़े से होता तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता, मैंने पहले ही आपसे बैठी थी, मैंने कहा ये ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट बैठे हैं, सारी हिंदुस्तान की आयुर्वेद की सारी एक से एक जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जितनी बड़ी टॉप टॉप मेडिकल संस्था, हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की बैठी हुई है सारी, और तुम यहाँ काढ़े से इलाज कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब देखो जाओ बाहर निकलो तो संभल के निकलो, ये काढ़े वाढ़े से मुझे तो कोई दिखता नहीं है कि कोई इससे कुछ हो जाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं होना अपना, कुछ ठीक कुछ नहीं होना। हमारे मंदिर में आते पान वाले भैया, वो बोलते मैं सारे ग्राहकों को बांट रहा हूँ। मैंने कहा यार ये बांट रहा है ये कहीं ऐसा नहीं हो कि बांटते बांटते खुद लिया ये रोज वो जो है रोज अपनी बातें समझाते हैं कि हमारे यहाँ से इतनी दवाई जा रही है, मैं इतनी दवाई का सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा इनने पान की दुकान छोड़ के दवाई का काम चालू कर दिया, दिखता क्या बोलो अपन, मतलब इतना भरोसा लोगों को अपने किए गए कार्यों पे कि उनको लगता है कि हमने जैसे कोई इलाज निकाल लिया इलाज,
ऐसे ऐसे इलाज निकाल दिया, गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको जचता है वो आप कर लो, वो अपने अपन सोच के अपन अपने लिए जो उत्कृष्ट होगा इतनी चीज होगी वो करेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि भवितव्यता आनी है तो वो हमको इन सब चीजों से, ये सब चीजें करके हमको रुक जाएगी वो भवितव्यता? बताओ, मैं तो कहता हूँ किसी की कोई गारंटी नहीं इस काल में, क्या कोई की गारंटी नहीं है एक आदमी की। तुम अपने दिमाग से कितने सोच समझ के सारे उपाय कर लो, दुनिया भर के डॉक्टर वैद्य और काढ़े फाड़े जितने हैं सब पी लो, रोज सुबह शाम तक पी लो, लेकिन होनहार को कोई नहीं टाल सकता। हम संसार के इतने कामों में अपना दिमाग लगाते हैं उनको टालने के लिए, विपत्तियों को टालने के लिए, लेकिन हम एक क्षण भर भी ये नहीं सोचते हैं कि इन सब का मूल कारण कर्म का उदय है। और यदि हमें अपना हित ही करना है तो हम क्यों ना ऐसे कार्य में लगे जिससे कर्म का बंध ही नहीं हो, ताकि हमें दुख ही नहीं हो। हम कर्म के नाश की इतना पुरुषार्थ नहीं करते, उसके लिए सोचो दिमाग लगा के, खूब सोचो, जितना कोरोना का नहीं सोच रहे उससे ज्यादा कर्म के नाश की सोचो कि 8 कर्मों का नाश कैसे होगा, जन्म जन्म मृत्यु का नाश कैसे होगा, मोहांधकार का नाश कैसे होगा, सोचो इसके ऊपर। क्या वो अपने पुरुषार्थ का कार्य, ताकि लौकिक तो जो बन जाए ठीक है, जितना अपन ने अपने हिसाब से सोच सकते सोच लिया, फिर बाकी हम कुछ होनहार पर डाल दो उसको, जो होना होगा होगा। मोह लसा, मोह मोह उल्लास वसाद, मोह का उल्लास माने मोह का उल्लास होता ना उल्लास, मोह के उल्लास से, उल्लास के वश से अति प्रसर तो बहुत प्रसन्नता फैलता है। विकल्पान बहुन बहुत सारे विकल्पों को, और हित्वा माने छोड़कर, राग द्वेष विष उज्जिते, राग द्वेष रूपी विष को छोड़कर सदा हमेशा, सदभी माने, सदभी मतलब सत, सत माने सज्जन, सज्जनों के द्वारा स्थिरताम सुखम, जो स्थिर सुख है उस सुख के द्वारा, उस सुख का क्या करो, उपाय करो। माने मोह के विलास से जो बहुत विकल्प फैलते हैं ना, उन बहुत सारे विकल्पों का नाश करके, राग द्वेष रूपी विष को छोड़कर सज्जनों के द्वारा जो स्थायी सुख है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखो पढ़ो, पढ़िए सुरेंद्र जी, अर्थ। लोक में मनुष्य सदा इस प्रकार का विचार करते रहते हैं कि सदा हमको कल्याण की प्राप्ति हो, किंतु देव योग से भवितव्य के अनुसार जैसा होना होता है वैसा ही होता है, अतः किया हुआ कुछ भी नहीं होता। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि वे मोह के बस से फैले हुए जो सुख शांति की, सुख आदि की वांछा रूप नाना प्रकार के होते बल उनको नाश करके राग द्वेष रूपी विष से रहित होकर अपने सांब भाव रूपी सुख में स्थित रहें, तभी उनको कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्रकार से उनकी कल्याण की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लिखा है, देखो लोक में सदा मनुष्य ये विचार करते रहते हैं, क्या विचार करते रहते हैं कि सदा हमको कल्याण की प्राप्ति हो, किंतु देव योग से भवितव्य के अनुसार जैसा होना होता है वैसे ही होता है, अपना किया हुआ कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सज्जनों को ये चाहिए कि वो मोह के वश से जो ये फैला है ना हमारा खोटे विकल्प, क्या विकल्प, सुख आदि की वांछा रूप, सुखी सुख होने की, सुखी होने की बहुत अपने को भ्रांति हो जाती है। देखो क्या होता है, छोटे छोटे अपने को बहुत विकल्प खड़े हो जाते हैं, या अपन ये कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये नया मकान ले लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये अपन नया काम कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं होना है, ये सब राग द्वेष का विस्तार है,
राग द्वेष के विस्तार से हमको सुखी होने की भ्रांति रूप नाना प्रकार के खोटे विकल्प चलते रहते, समझ में ही ना। सुख की वांछा मतलब हमको भ्रांति के कारण से पता नहीं किन किन पदार्थों में सुख दिखने लग जाता। मोह हमको ऐसा भ्रमित करता है। हम अभी अभी हम समझते हैं कि यहाँ सुख आत्मा में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, दस बार समझ गए, और फिर कोई ऐसा व्यापार दिखने लग गया, कोई अच्छा सा कोई धन का लाभ दिखने लगा, कोई अपना नया कोई काम होता हुआ दिखा, तो ऐसा लगता अरे यहाँ सुख है, यहाँ लड्डू है, ये काम कर लो मजा आ जाएगा, क्या ये मकान ले लो, ये दुकान ले लो, ये धंधा कर लो, ये काम कर लो, ऐसे ऐसे बहुत मोह के बहुत जो कहते हैं ना बहुत दौरे चढ़ते हैं आदमी को, ये मिर्गी के दौरे आते हैं ना जैसे ऐसे, इसको ही बहुत खुमारे आते रहते हैं। कितने ही समझा दो आप, क्या समझने के बाद में दौरे मनुष्यों को मोह के कम नहीं है, भयंकर दौरे हैं मनुष्य। हर थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं भ्रांति रूप सुख दिखने लग जाता है। लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, यानी अभी से ही घूमने फिरने का प्लान भी बना रखा है, पूरा मैप भी बना रखा है, मैप किसी किसी ने तो गाड़ियां भी ले रखी है कि बस ये खुलेगा और यहाँ यहाँ जाएंगे, और कुछ लोग जाने भी चालू हो गए तो पता नहीं मेरे को, 6 महीने से आखिरी दिन हो गए तो क्या क्या जीवों को क्या करे बेचारे, एकदम त्रस्त हो गया संसार, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सुख की वांछा रूप खोटे विकल्प करा करता, कहीं से मिल जाए, कुछ ही तरह से मिल जाए, सुख कहीं तो दिख जाए, लेकिन सुख कहीं हो तो मिलेगा क्या। तो सुख की वांछा रूप नाना प्रकार के खोटे विकल्प होते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं उन सबको नाश करो और ये राग द्वेष रूपी जहर से रहित होकर अपने समता रूपी भाव में सुख में स्थित रहो, अपने साम्य भाव रूपी सुख में स्थित रहो, तभी तुमको कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्रकार से तो जीवों को कोई कल्याण की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जहर छोड़ो, जहर राग द्वेष के जहर, पर द्रव्यों में सुख की वांछा के जहर, है ना, सुख मिल जाएगा कई पर द्रव्यों से, ऐसे सुख की वांछा रूप जो खोटे विकल्प है इन सबको नाश करो, राग द्वेष रूपी जहर से रहित हो और अपने समता रूपी सुख में स्थित रहो, तो कल्याण ही कल्याण है। सिद्ध भगवान की कैसी दशा, अचल अचल स्थिति है, चलायमान नहीं होते अपने स्वरूप से, निस्वरूप से चलायमान होकर राग द्वेष का जहर का एक बूंद भी नहीं चढ़ती उनमें। अपन तो छोटी छोटी चीजों को जान जान के क्लेश करने लग जाते हैं, इनने ये किया, उनने ये किया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, अपने को भगवान का विचार करना चाहिए। भगवान अनंत गेयों को जानते हैं, अनंत अनंत न्याय अन्याय सब चल रही है उनके सामने, क्या नहीं हो रहा है बताओ, कौन सा गे नहीं झलक रहा, सब गे, सारे जगत के सारे पदार्थ अपने 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 गुण पर्यायों में परिणमन करते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है लेकिन कोई देख के कोई चीज के प्रति कोई ये नहीं किया, रे ये ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो जाता, ये अच्छा करा, ये बुरा किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, कुछ नहीं, सहज ज्ञान से बस जानते देखते हैं, उनमें कोई प्रकार के राग द्वेष रूप विकल्प नहीं करते, अच्छे बुरे के विकल्प नहीं करते, ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा कर देता, ये जेनी लाओ सब ऐसा कर लेते, ये ऐसे कोई विकल्प नहीं होते, तब तो मैं भगवान है और हमको इनने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं उसको ठीक कर दूंगा, हम उसको ठीक कर देंगे और हम फिर आगे सुख भोगेंगे, मैं ऐसा करूंगा क्या बुढ़ापे का रिटायरमेंट होम में लेके जाके सुख भोगूंगा। अब वो रिटायरमेंट होम में जा भी पाएगा कि उसके पहले रिटायर हो जाएगा, कुछ नहीं मान, ये स्थिति है। तो ये जीव को समझाइश दी है, तुम सारे राग द्वेष के विकल्प छोड़ो, राग द्वेष के जहर को छोड़ो, मोह के प्रसार से, मोह के वश से जो सुख की वांछा रूप नाना प्रकार के खोटे विकल्प होते हैं, पर द्रव्यों में सुख की वांछा उत्पन्न होती है ना, कहीं से कहीं मिल जाएगा, उस सबको छोड़ो खोटे विकल्प को और अपने समता में स्थित रहो, साम्य भाव रखो, समता
राग द्वेष को छोड़कर पर द्रव्यों के ज्ञाता दृष्टा मात्र रहो, तभी तुमको कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्रकार से कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुनिराज क्या करते जंगल में जाकर एक ज्ञाता दृष्टा बने का अभ्यास, देखते हैं बस, देखते रहते हैं बस और कुछ नहीं करते, जानते रहते। हे भव्य जीवो, धर्म में ही अपनी बुद्धि को लगाओ, ये कह रहे हैं। पहले प्रेरणा दी कि समता रूपी सुख में स्थित रहो, उससे कल्याण होगा, अन्य प्रकार से कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। अब कह रहे हैं उस समता रूपी सुख की प्राप्ति के लिए तुम धर्म में अपनी बुद्धि को लगाओ, और कहीं मत लगाओ। अपनी बुद्धि जितनी मिली है ना, इतनी अकल बहुत है, इस अकल को रेसिपी में, घर की सजावट में, दिखावट में, इधर उधर किसी के उठाने में, तिये में बैठने में, व्यवहार निभाने में, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में, धन की प्राप्ति में न लगा के ये सारी बुद्धि को धर्म में लगाओ। हे भव्य जीवो, धर्म में ही अपनी बुद्धि को लगाओ, ये शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कहाँ लगाओ अपनी बुद्धि को? बुद्धि बहुत मिली है ना अपने को, आपको लगता है ना अपनी बुद्धि बहुत है, तो इस बुद्धि का सही उपयोग ये है कि तुम धर्म में इसका अपनी बुद्धि को लगाओ। देखो, लोकाग्रह प्रिय तमा सुत, अरे एक मिनट, लोकाग्रह प्रियतम सुत जीवितादि वाताहता त्वजपटाग्र चलम समस्तम व्यामोह मात्र परिरत्य धनादि मित्रे धर्मे मतिम कुरुत किं बहुभिर्वचो भी। पढ़िए अर्चना जी। नारी सुत गह जीवन आदि सब पवन प्रताड़ित ध्वजा समान, अधिक कहें क्या मोह त्याग कर धर्म करें सम्यक मतिमान। बहुत बढ़िया, क्या कहा देखो, लोका ये लोक में, ग्रह माने मकान, प्रियतम, प्रीतम कौन है? सुत बच्चा, प्रीतमा तो सब जानते कौन है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, इसको कहते हैं प्रीतमा। देखो अब जो भी हो, वो प्रीतमा है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कहेंगे तो उसको प्रीतमा ही। तो ग्रह प्रीतमा, सुत माने बच्चे, और जीवित जीवन आदि, ये वात, वात माने हवा से आहत, ध्वज, ध्वज का पट माने कपड़ा, कपड़े का अग्र, चलम समस्तम, जैसे हवा से जो ध्वजा होती है, ध्वजा का जो आगे आगे ऊपर बंधा रहता है कपड़े का पट, कपड़ा, वो कपड़ा जो है वो कपड़ा चलायमान रहता है, हिलता रहे, हवा से क्या होता है, उड़ता है, बहुत भयंकर, हवा से जरा भी स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, चलायमान रहता है। वायु से आहत ध्वज पट के अग्र का समान, ये सारा जगत क्या है? चलायमान है, सब पत्नी बच्चे जीवन अपना खुद का मकान लोक, ये सब चलायमान है। व्यामोहम अत्र, इसलिए इनके प्रति व्यामोह को, अत्र माने यहाँ पर, परिरत्य, परिरत्य माने छोड़कर, धन आदि मित्रे, धन आदि में मित्रों में मित्र होते ना, संसार के बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, तो इन सब मित्रों में भी व्यामोह को छोड़ो। पहली बात तो देखो, मित्र वही है जो धर्म में लगाए, संसार के कामों में लगाए वो क्या मित्र, संसार के विषय भोग का उपदेश देगा, चलो वहां चलो, वहां ये नई चीज आई है, नया डिजाइन आया है, नया आया है, ये फलाना ढिकाना, पंचेंद्री के विषय भोग, उन सबको छोड़कर, उन सब में धनादि में मित्रों में व्यामोह को छोड़कर, और धर्मे मतिम कुरुत, धर्म में मति करो, किम बहु भी वचो भी, बहुत सारे वचनों से अब क्या कहें तुमको, हम कितना कहें, ये पर्यूषण के पहले से हम तुमको कहते आ रहे हैं, 53 गाथाओं से कहते आ रहे हैं, अब दो ही गाथा बची है बस, क्या अब
53 गाथाओं से तुमको कहते कहते आप कह रहे हैं, आप बहुत वचनों के द्वारा क्या कहें, मैं इतने ही समझो तुम कि ये धन मित्र इन सब में व्यामोह को मोह को छोड़ो और धर्म में अपनी मति को करो, बुद्धि को धर्म में करो। आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवो, ये घर, ये स्त्री, ये पुत्र, जीवन आदि समस्त पदार्थ, ये पवन से ताड़ित ध्वजा के कपड़े के अग्रभाग के समान चंचल है, इसलिए अधिक कहाँ तक कहा जाए। धन स्त्री मित्र आदि में फैले हुए मोह को सर्वथा नाश कर धर्म में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। धर्म में मतिम कुरु, धर्म में अपनी मति को करो, और किसी में अपनी बुद्धि मत करो, धर्म में अपनी बुद्धि फैलाओ, धर्म में मति करो। दिमाग बहुत है ना अपने, आपको लगता है क्यों, हर आदमी को अपनी अकल डेढ़ लगती है। मैं कहता हूँ आपका डेढ़ नहीं डबल है, बस आप डेढ़ ही क्यों समझ रहे हो, मैं तो आपको डबल कह रहा हूँ कि आपके पास अकल डबल है। लेकिन मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप अपनी उस बुद्धि का उपयोग धर्म समझने में करो तो आपका हित है, और सांसारिक चीजों में करोगे आप बुद्धि का उपयोग तो विशेष कुछ हित नहीं है उससे, वो सारी बुद्धि अपनी सांसारिक कार्यों में लगी हुई पाप कर्म को बांधने के अंदर ही उपयोग, मतलब पाप कर्म के बंधन के कारण बनी। इसलिए संसार में बुद्धि मत लगाओ, संसार में लगी हुई बुद्धि बुद्धि का दुरुपयोग है, ज्ञान का दुरुपयोग है, कर्म के पुण्य के उदय का दुरुपयोग है। पुण्य का उदय से अपन किसी को भी अपनी बुद्धि के बल से किसी को परेशान कर सकते हैं, धन छीन सकते हैं, व्यापार में खूब बढ़ सकते हैं आगे, संसार के लोगों को अपन अपने चरण कदम चले झुका सकते हैं, सब कर सकते हैं पुण्य के उदय में। लेकिन सवाल ये है कि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे कुछ समय के लिए हमें भले ही ऐसा आनंद जैसा लगता रहे, लेकिन इससे कुछ भी आत्मा का परमार्थिक हित नहीं होने वाला। हित करना है तो बुद्धि को ऐसा धर्म में लगाओ कि जिससे तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति होकर संसार का अभाव जाए, वो काम करो। अभी अधिकार का उपसंहार कर रहे हैं, लास्ट गाथा है अंतिम, प्रति अधिकार अनित्य पंचाशत का उपसंहार। पुत्रादिशोक शिखी शांति करी यतीन्द्र, श्री पद्म नंदी वदनाम्बुधर प्रसूति, सद्बोध सस्य जननी जयताद नित्य, पंचाशदन्नुत दियाममृतेक वृष्टि। हाँ माला अभी पढ़ लो। पद्मनंदी यतीन्द्र सिरि मुख मेघ से झरती आहा, पोत्रादिक इष्ट वियोग ज्वाला जो समन करती है सदा, सद्बोध धान्योत्पन्न करती जगत में जयवंत हो, अनित्य पंचाशत सुजल दृष्टि सुदी के उर आओ। क्या कह रहे हैं देखो, यतियों में उत्तम ऐसे जो पद्मनंदी नाम के यति, उनका मुख रूपी जो मेघ, उस मेघ से क्या हुआ, उस मेघ से पैदा हुई श्रेष्ठ बोध रूपी ज्ञान रूपी धान्य को पैदा करने वाली तथा पुत्र आदि में फैली हुई शोक रूपी अग्नि को शांत करने वाली ऐसी यह अनित्य पंचाशत रूपी जल की वृष्टि सज्जनों के हृदय में सदा जयवंत रहो। काय की उपमा दी इस अधिकार को, काय की उपमा दी बताओ, जल की वृष्टि के समान है ये। जैसे जल पे जल की वृष्टि होती है तो अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे ही ये अनित्य पंचाशत रूपी जल की वृष्टि से जो पुत्र आदि के विषय में जो हमारी शोक रूपी अग्नि है, वो शोक रूपी अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और ये जो जल की वृष्टि है किनसे उत्पन्न हुई है, जैसे जल की वृष्टि मेघ से उत्पन्न होती है, ऐसे पद्मनंदी नामक मुनिराज के मुख रूपी जो मेघ है उससे ये पैदा हुई है। और जैसे जल की वृष्टि अनाज को उत्पन्न करती है, ऐसे ये उत्तम ज्ञान रूपी अनाज को पैदा करने वाली है, ऐसी ये जल की वृष्टि सज्जनों के हृदय में सदा जयवंत रहो। ये अनित्य पंचाशत रूपी जो जल की वृष्टि की ना, पंचाशत का मतलब क्या होता है, 50 श्लोकों में
पंचाशत, हाँ पंचाशत ही लिखा है, इसे पचपन है दो है तो पंच पंचा, तो ये अनित्य पंचाशत रूपी पचास दोए में जो हमने संसार की अनित्यता का वर्णन किया, ऐसी अनित्य पंचाशत रूपी जल की वृष्टि सज्जनों के हृदय में सदा क्या रहो, जयवंत रहो। भावार्थ, हाँ वीरेन जी कैसे पढ़ लीजिए, पढ़िए भावार्थ। जिस प्रकार जल वृष्टि जलती हुई अग्नि को बुझा देती है, मेघ से पैदा होती है और धान्यों को पैदा करती है, उसी प्रकार यह अनित्य पंचाशत भी शोक को नाश करने वाली है। अर्थात इसको पढ़ने से उत्तम मनुष्य को किसी प्रिय से प्रिय पदार्थ के नाश होने पर भी शोक नहीं होता। इसका प्रतिपादन मुनीन्द्र सिंह पद्मनंदी ने किया है। यह श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली है, इसीलिए भव्य जीवों को इसका मनन अवश्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में अनित्य पंचाशत नामक तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ। दान का उद्देश्य, इस प्रकार से ये अपना तीसरा अधिकार आज कंप्लीट हुआ। सबसे तीन अधिकार के नाम याद है किसी को? पहला अधिकार क्या था, दूसरे अधिकार का नाम क्या था? चलो दूसरे का नाम बता दो। पहला तो अच्छा अर्पिता जी है क्या, बोलो अर्पिता जी। सर दूसरा दानोपदेश था। हाँ दानोपदेश। पहले का नाम क्या था, पहला क्या था ममता जी, कुछ मालूम है? हाँ बोलो पूर्वी। धर्मोपदेशामृत। हाँ धर्मोपदेशामृत। पहले का नाम था धर्मोपदेशामृत, दूसरे का नाम था दानोपदेश और तीसरे का नाम था अनित्य पंचाशत। ऐसे तीन अधिकार अपने यहाँ आज पूर्ण हुए। अब कल से अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। इसमें अगले अधिकार का नाम क्या है देखो, अगला अधिकार है एकत्व सप्तति। अब एकत्व की भावना भाएंगे कल से अपन, एकत्व भावना की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है? अभी मंगला, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, प्रश्नों उसके बाद को पूछ लेंगे।